वेलकम बैक टू जीत ब्लॉग। एंड आज हम लोग जा रहे हैं यूक्रेन में गांव की और हमारे सेठ जी एंड द टॉपर एंड द फोटोग्राफर सब कोई मेरे साथ हैं और आज हम लोग कोई एक गांव जा रहे हैं एंड द आवर टूरिस्ट गाइडर इज सी ये हम लोग को घुमाने लेके जा रही है। कोई गांव है, गांव का नाम नहीं पता, और गांव का नाम बता भी देंगे तो आप लोग को पता नहीं चलेगा। बस एड्रेस में गांव का नाम मैं मेंशन कर दूंगा। यूक्रेन में कोई गांव में मैं जा रहा हूं। टैक्सी में आप बैठ गए हैं और टैक्सी से चल रहा हूं गांव की ओर। लोग पहुंच गए हैं और टैक्सी में बैठे थे, टैक्सी से फिर बस स्टैंड आए, बस स्टैंड से फिर एक बस आएगी और बस से फिर हम लोग गांव की ओर जाएंगे क्योंकि टैक्सी से ज़्यादा फेयर पड़ जाता है, ज़्यादा पैसा लगता है, फिर इसी के कारण इससे अच्छा बस है, बस सस्ता मिली पड़ जाता है। पर बंदे की टिकट 30 ग्रेवियन लगी है। हम लोग 5 बंदे हैं, 5 बंदे की 150 US लगी है। इंडियन करेंसी में अप्रॉक्स 450 हो रही है, कोई ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है। हम लोग को छोड़ दिया और बस गांव में पहुंच गए। अब गांव में पहुंच के बारबेक्यू करने वाले थे तो अंदर थोड़ी कुछ सामान लेने देख लेना, कुछ लेना हो तो देखते हैं, कुछ सामान मिल जाए मार्केट में लेने। मार्केट में सामान अब हम लोग घर पहुंच गए हैं। घर के घर का घर पहुंच गए हैं। घर अब अंदर जाएंगे। अब घर की ओर जा रहे हैं, घर में अब जा रहे हैं। पहले इधर आ जाओ, देख क्या बना। घर में जाके सबसे पहले किचन की ओर जा रहे हैं। किचन में क्या क्या बना है, बिस्किट एंड इधर क्या, ये भी कुछ पकवान टाइप का है और ये आलू और भाई बना बनाया खाना मिलेगा। और बनाने वाली हमारी दादी भाई। अब किचन तो दिखा दिए, किचन में क्या क्या बना है, अब अंदर दिखा देते यूक्रेनियन यूक्रेन में घर कैसे होते हैं। पूरा अच्छे से इंटीरियर डेकोरेट की हुई है और फूल वगैरह है। ओ भाई लाजवाब, पूरा बेहतरीन तरीके से सब सजाई हुई है घर को। ये बेड बारबेक्यू के लिए आग लगाने वाले हैं और कुछ लकड़ी वगैरह लाने के लिए जा रहे हैं इधर बैकयार्ड में। बिना चप्पल का हम लोग जा रहे हैं। मैं सोचा आपको बता दूं कि मैं चप्पल का जा रहा हूं। और देखिए यहां पे लकड़ियां पड़ी हुई है, लकड़ियां लेना है और कोयला। बैकयार्ड दिखाने वाला था, ये बैकयार्ड में चेरी लगा हुआ है, चेरी की बहुत सारी पेड़ है। और इधर देखिए बैकयार्ड में अपने यहाँ जो जो लगाते इधर भी यही लगाते, मिर्च लगा हुआ है, शिमला मिर्च लगा हुआ है, कैप्सिकम। और इधर बहुत दिन के बाद, एक साल लगभग एक साल हो गया था
कि गांव साइड आए नहीं थे, आज पहली बार एक साल होने के बाद गांव की साइड आए हैं। और इधर देखिए स्ट्रॉबेरी की खेती होती है, पहली बार स्ट्रॉबेरी की खेत देख रहा हूँ मैं, और सब जगह स्ट्रॉबेरी ही लगा हुआ है, पूरा स्ट्रॉबेरी से भरी हुई है ये। अब तोड़ के कुछ खाने का तो बनता है, कुछ देखते तोड़ते हैं, कुछ तोड़ के चखते हैं कैसा है। लेकिन फाइनली चखने का ज़रूरत नहीं पड़ा, दादी ने दे दिया अपने से खुद तोड़ के, क्योंकि वो तोड़ रही थी तो मैं उन्होंने देखा मेरे को, मेरे से पूछा कि कहाँ से हो, तो उन्होंने खुद ही तोड़ के मेरे को दे दी। थैंक यू को हिंदी में धन्यवाद बोलते हैं। यूक्रेन का ये पुराना हैंडपम्प है, अजीब सा हैंडपम्प है, मैं इसे चला के पानी निकलता है। एक बार फिर से दबा। वाओ, यहाँ का हैंडपम्प है पिचकारी होली टाइप की है भाई। करने वाला बंदा आदिल खान, मुंह धोने वाला रौनक। घर का मैं मिडिल व्यू दिखा रहा हूँ, ये मिडिल व्यू में अंगूर वगैरह लगा हुआ है, और उधर बारबेक्यू हो रही है, और इधर मैं आगे और फ्रंट व्यू दिखाने वाला हूँ, आगे में क्या क्या लगा हुआ है। आदिल खान गाइड करते हुए, ये पहला पेड़ भी चेरी का ही दिख रहा है, दूसरा पेड़ अनानास का है, और आदिल खान इससे अब चोरी करने वाला है, चोरी नहीं बोलेंगे इसमें तो, तोड़ के खाने का बोलेंगे, क्योंकि चोरी तो तब होती है ना जब दूसरे की होती है, ये तो अपना पेड़ है। और इधर देखते हैं कौन सा पेड़ लगा हुआ है, इधर भी दो पेड़ लगी हुई है लेकिन पता नहीं चल रहा है क्या चीज का है। और इधर सामने का फ्रंट व्यू ऑफ द घर का, और इधर पीछे का लास्ट वाला व्यू दिखाएं, उधर कोना में हैंडपम्प लगा हुआ था तो लग गई है। चिकन तैयार किया जा रहा है रोस्टेड करने के लिए। से हाय। हाय। क्या लाजवाब हाथ, लेग पीस है भाई, लेग पीस ब्रेस्ट राजमा, ये भी गांव में सुखा रही है ये दांत। चुन्नू मुन्नू दोनों काम करने में बिजी हो गए, और दादी को मदद कर रहा है काम करने में, सोचा कि जल्दी जल्दी हो जाएगा, और अब दोनों को ही लगा हुआ है जल्दी जल्दी काम करने में। चिकन के लिए मेहनत करते हुए चुन्नू मुन्नू, एक्साइटमेंट लेवल पूरा ऊपर हो चुका है ये दोनों का, पूरे एक्साइटेड लेवल में जा चुके हैं। चिकन पक गया है तो चिकन को प्लेट में निकाल के रख रही है दादी, और आलू वाला डिश आ गया है, आलू को यूक्रेन में कार्टोपिलिया बोलते हैं, और फिर ये भी कोई यूक्रेनियन डिश है, और उधर अंडा। अब खाना स्टार्ट हो गया है, टमाटर प्याज अंडा कार्टोपिलिया चिकन, और ये भी यूक्रेनियन डिश है, और इसमें केक रखा हुआ है। बिल्ली भी लेग पीस खा रही है, और बिल्ली को लेग पीस खिलाने वाला मिस्टर सचिन से
सचिन का पेट अभी तक नहीं भरा है तो वो खाना खाते जा रहा है और हम लोग का खाना खत्म हो गया। तो दादी अब तारबूज काटने वाली है क्योंकि अब कुछ मीठा होगा। तो बर्तन आ गया है, अब इसमें तारबूज कटेगा और आप देखिए तारबूज किस तरह कटती है। आज मैंने दादी को वाटरमेलन शेक बनाने के लिए सिखाया हूँ कि वाटरमेलन शेक किसे कहते हैं और कैसे बनाते हैं। तो अब ये पूरा रेडी हो गया है, सारा आइटम में बता दिया था क्या क्या चाहिए था, आइस क्यूब और चीनी और दूध। तो मैंने इनको सारा चीज़ बता दिया और सारा चीज़ कर दिया और ये अब शेयर कर लिया है। ये दूसरे ग्लास बाहर में एक और दादी बैठी है उसको देने के लिए जा रहा हूँ, अब वो बताएगी फीडबैक इसकी क्या है। अब बोल रही है क्या कि पीना है क्या नहीं पीना है, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे चिकन खाने के बाद दूध वाला आइटम बिल्कुल पसंद नहीं रहता। तो इसके कारण अब वो फिर से पूछ रही है तो कि नहीं, तो मैंने पूरा बिल्कुल तरह से मना कर दिया हूँ पीने के लिए। अब वो सचिन को दे रही थी तो सचिन ने भी मना कर दिया क्योंकि चिकन हम दोनों खाए थे हम लोग, फिर उसके बाद दूध वाला आइटम कुछ पी नहीं रहे थे। तो फिर वो पी, अब देखते क्या फीडबैक देती है कैसा लगा। दादी तो बोली अच्छी, अब दूसरी दादी से पूछते हैं। ये भी अच्छा बोल दी क्योंकि सर हिला दी है तो अच्छा। दोबरे बोल दी, दोबरे मतलब गुड होता है यहाँ पे। दादी अब काम में लग गई क्योंकि हम लोग का खाना कंप्लीट हो गया तो बर्तन धोने में, और सचिन और दादी दोनों मिलकर बर्तन धो रहे हैं। मेरा सर दर्द देने लगा था खाना खाने के बाद, तो मैंने दादी से पूछा था दवाई के बारे में, तो वो दवाई बोली नहीं लो, इससे अच्छा मैं सर दबा देता हूँ। और ये एक यूक्रेनियन लड़के अपने सेवा के यहाँ दर्द हो रहा है क्या, पूछ रही हाँ। अपने सेवा के लिए इन्होंने एक मसाला रखा हुआ सर। इस पार रुपए इस पार इन्होंने अपने लिए यूक्रेन रखा है। Dobre. खाना खाने के बाद नाइट वॉक पे जा रहे हैं, खाना खाने के बाद बाहर घूमने के लिए नाइट वॉक के लिए। ले दबाए हाय ब्रो। अब रात में घूम रहे रौनक को पर पनिशमेंट मिला है रोड पे सोने के लिए। पर मैं सो रहा हूँ क्योंकि आदित्य भाई का ट्रैक 500 ग्रेन का बैंक। रौनक से तो क्या बोलो, गले गले गले। हाँ आदिल को मशीन इधर आ गए। फिर आए थे तो लास्ट में रौनक वीडियो दिखा रहा है कुछ। ये रात का गांव का सीन है, रात में नाइट वॉक के लिए निकले थे। ये गैस टंकी, पेट्रोल पंप नहीं बोलते, गैस टैंक बोलते हैं शायद यहाँ पे, यही कुछ बोलते हैं। सेब हो गया। ये हफ्ते भर का विश्वान है, हम रास्ते में चल रहे थे, इसने सेब का पेड़ देखा और इसकी लालच जा गई, पूरा पूरा पेड़ का आधा सेब उठा लिया इसने, आप देख सकते हो। मैंने अपना अस्थान ग्रहण कर लिया, बाकी सब कुछ लड़ रहे। ये देखते हुए कि भाई कितनी खराब वीडियो या अच्छी वीडियो का वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।